यूपी के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने में विफल सरकार के रवैये और पत्रकारों पर सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा। तो उन्हें पुलिस प्रशासन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दौरे के दौरान जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में पत्रकारों को खुले मंच से ब्लैकमेलर कहे जाने पर प्रदर्शन किया। देश के अंदर में योगी सरकार के नियंत्रणाधीन जो सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में इस समय दलितों के ऊपर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। अभी पिछले दिनों रायबरेली में एक दलित युवक मोहित की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है, क्योंकि थाने के अंदर उस दलित युवक की हत्या हुई है, पूरी तरीके से शासन और प्रशासन दोषी है उस दलित युवक की हत्या का। पूरे के पूरे पुलिस थाने को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और वहाँ के रायबरेली के पुलिस अधीक्षक को भी निलंबित किया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है। इसके साथ साथ एक स्थानीय मांग हम लोगों की और है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इसको भारतीय जनता पार्टी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर की श्रीमती मेनका गांधी माननीय सांसद महोदया द्वारा हमारे मीडिया जगत, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन पत्रकार बंधुओं को ब्लैकमेलर कहा गया है। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में मेनका गांधी की निंदा करती है और ये आगाह करती है कि मेनका गांधी अपनी इस अभद्र और शोभनीय टिप्पणी को तत्काल वापस लें, नहीं चौराहे चौराहे मेनका गांधी का पुतला फूंका जाएगा और उनका जीना हराम किया जाएगा।